जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AU कॉन्सेप्ट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं UPSC मेंस GS पेपर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं यहां बता दूं कि जैसा कि थंबनेल में मेंशन है, ये GS पेपर फर्स्ट का 2022 का क्वेश्चन पेपर है। मैं यहां GS पेपर 1, 2, 3, 4 सारे GS पेपर का और हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ मेंशन है, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। इधर उधर का मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर है, किसी ट्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ मेंशन है, टोटल 20 क्वेश्चन है और हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है। और हाँ, देखिए यहाँ की मैं यहाँ पेपर पैटर्न बता दूँ। देखिए जैसे कि यहाँ मेंशन है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में और 11 से 20 तक के 250 शब्दों में उत्तर देना है। और टाइमिंग रहता है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स 250 नंबर का होता है। तो मैं यहाँ सिर्फ हिंदी में बोलूँगा, आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं वो भी इंग्लिश देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताएं। थर्ड क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, कारण बताएं। फोर्थ क्वेश्चन में है, प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें। सिक्स्थ क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। एट क्वेश्चन है, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। नाइन्थ क्वेश्चन, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यवर्ग के उभार से Tier 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। टेंथ क्वेश्चन, भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। दस तक जैसा कि मेंशन है, 150 शब्दों में ही उत्तर देना था और 11 से 20 तक 250 शब्दों में उत्तर देना है। इलेवेंथ क्वेश्चन, राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं सदी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, उदाहरण सहित विचार करें। ट्वेल्थ क्वेश्चन, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। थर्टीन्थ क्वेश्चन, भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। 14th क्वेश्चन, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं, विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को अंकित कीजिए। 16th क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। 17th क्वेश्चन, क्षुभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, कैसे। 18th क्वेश्चन, भारतीय समाज में जाति क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। 19th क्वेश्चन, क्या सहिष्णुता सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व है जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं, तर्कसंगत उत्तर दें। 20th और लास्ट क्वेश्चन है, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। तो ये लास्ट क्वेश्चन 250 शब्दों में था। तो जैसा कि मैं बोलूँ कि GS पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसके बाद मैं GS पेपर 2, 3, 4 सारे अपलोड कर दूँगा। हिंदी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जितने भी 2019, 20, 21, 22 सारे प्रीवियस ईयर अपलोड कर दूंगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।